दोस्तों स्वागत है आपका सोनेर क्रिएशंस पर। यहाँ पर हम आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं ACX 750। ये देखिए, ये इतनी बड़ी सी क्रेन आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ पर ये एक प्रकार की क्राउलर क्रेन है। इस प्रकार की क्रेन्स का अक्सर यूज़ हैवी वर्क्स में किया जाता है। ये देखिए, यहाँ पर इस क्रेन में आपको मिलता है एक मेन बूम। मेन बूम के बाद यहाँ पर होती है लोड लाइंस, और लोड लाइंस के साथ में हुक को हम अटैच करते हैं। हुक लोड लाइन से कनेक्टेड होता है। पीछे की तरफ यहाँ पर बूम के कंट्रोल हैं, जो यहाँ पर ये जो लीवर्स दिख रहे हैं आपको, ये आपको बूम के कंट्रोलिंग में काम में आते हैं। इनसे बूम को ऊपर या नीचे किया जाता है। ये जो बड़ा सा टावर आपको दिख रहा है, यही बूम कहलाता है। क्रेन का बूम उसका टावर है। ये देखिए, ये जो बड़े बड़े दो क्राउलर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये इसको किसी भी जगह पर, इस टाइप की पथरीली जगह या किसी भी यहाँ पर वर्किंग साइट्स पर आसानी से चलने के लिए काम में आता है। इस प्रकार की क्रेन्स आपको अक्सर बड़े और भारी जब सामान को लाया या ले जाया, लोड किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये पाइप को इस क्रेन के द्वारा ट्रेलर ट्रक के ऊपर रखा जाना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्रेन की जो हाइट है यहाँ पर 50 मीटर से, और इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी यहाँ पर 750 टन तक की होती है। प्रकार के जो क्राउलर मशीनें होती हैं, इनको पहाड़ी एरिया और ऐसी जगह जहाँ पर जो व्हील्स वाली, जो यहाँ पर पहिए वाली जो क्रेन्स होती हैं, जो अक्सर आपने रोड और हाईवेज पर चलती हुई देखी होंगी, ये जो क्रेन्स होती हैं ये उनके मुकाबले में काफ़ी बढ़िया होती हैं। क्योंकि इनके जो क्राउलर्स है, क्राउलर्स का यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पहिए होते हैं ये है ना, किसी भी प्रकार की ज़मीन पर चलने में बहुत ही सक्षम होते हैं। ये इस प्रकार के जो क्राउलर क्रेन के जो ये जो क्राउलर होते हैं, ये बहुत ही सक्षम होते हैं ऐसे कामों के लिए। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही मशीनरी वीडियोस और कुछ नया और इंटरेस्टिंग टाइप की मशीनरी और बड़ी बड़ी क्रेन्स और यहाँ जो बड़े की मशीनरी और ट्रांसपोर्ट वगैरह में इंटरेस्ट है, तो आप हमारे चैनल सोनेर क्रिएशंस के साथ जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं कई ऐसे और भी बेहतरीन मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस। क्रेन मशीनरी और ट्रक के वीडियोस आपको बहुत सारे हमारे चैनल पर देखने को मिल सकते हैं, और आप यहाँ पर हमारे इस चैनल पर टाटा प्राइमा LX5530.S, ASFX230 ट्रैवलर क्रेन, उसके बाद में आप लेटेस्टली VEC-12B और बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग और भी कई सारे वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्रेन के जो मेन बूम होता है, यहाँ पर देखिए, ये टावर के ऊपर की तरफ कोनिकल शेप में होता है, बीच में रेक्टेंगुलर शेप का, और फिर नीचे की तरफ कोनिकल शेप में होता है। ये डिज़ाइन इसको इस प्रकार से किया जाता है, इसका डिज़ाइन इस प्रकार से बनाया जाता है कि ये जो ऊपर की तरफ यहाँ पर लोड रखा है, वो उसका पूरा जो फोर्स है वो नीचे मोटर के ऊपर आता है। ये जो बड़ा सा बॉक्स जैसा आपको जो दिख रहा है, इसके अंदर विंच होता है। जो विंच, ये विंच का मतलब यहाँ पर एक रोलर होती है जिस पर ये तार को लपेटा हुआ होता है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वो मोटर को यहाँ पर ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों आप यहाँ पर इन मज़दूरों का मशक्क़त भी देख रहे होंगे। यहाँ पर ये जो मज़दूर हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ के लिए, और ये जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं इनको भी इन्हीं मज़दूरों का सपोर्ट मिलता है, तब जाकर ये पूरा काम हो पाता है। यहाँ पर हम मज़दूरों के लिए बस यही कहना चाहेंगे कि इनकी जो ज़िंदगी होती है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होती है, और इन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। क्रेन तो एक मशीन है, इसको चलाने के लिए बस कोई भी साधारण, मतलब कोई भी ऑपरेटर इसको चलाता है, ये अपने आप चलने लगती है। पर यहाँ पर ये जो मज़दूर है, ये देखिए कितना रिस्की काम करते हैं। यहाँ पर ये मज़दूर बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाला काम करते हैं। ये देखिए, इस क्रेन को आप देख सकते हैं, यहाँ पर होता है ऑपरेटर्स केबिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेटर्स केबिन दिया हुआ है ये जो है। उसके बाद में यहाँ पर आप पीछे की तरफ इसके विंच और ये वीपर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा आपको आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग मशीनरी और ट्रांसपोर्ट के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए सोनेर क्रिएशंस के। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।